सेफ SB 1.5 ग्राम इंजेक्शन। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सेफ्ट्रेक्सोन सलबेक्टम दो कंटेन आते हैं, जिसमें कि सेफ्ट्रेक्सोन 1000 mg, सलबेक्टम 500 mg होता है। सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेशेंट को इंजेक्शन फॉर्म में किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक है जो कि IV और IM बोथ ऑफ यूज़ होती है। इसके यूजेस की बात करें किन किन डिजीज़ में यह काम आती है, तो सबसे पहले गोनेरिया, साइनस इन्फेक्शन, सेल्यूलाइटिस, फूट अल्सर, पेरिटोनाइटिस, पेल्विक स्वेलिंग, लंग्स इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, एब्डोमन इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफाइड, फंगल इन्फेक्शन, UTI, ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग। यह एक पाउडर फॉर्म में आता है जो कि डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके लगाया जाता है। स्यूडोमोनास और स्यूडोमोनल स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में भी यह यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया साइड इफ़ेक्ट की बात करें इसके, तो डायरिया इसमें कॉमन देखा जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, एनीमिया, वोमिटिंग, ईचिंग, हेडेक, वर्टिगो, रेशेस, कभी कभी शरीर पर रेशेस निकल सकते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, राइगर हो सकता है, एल्कोहल, जिन पेशेंट अगर आपके पास आते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, एल्कोहल लिया हुआ है उन्होंने, तो उनको कभी भी सेफ्ट्रेक्सोन सलबेक्टम इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको लगा सकते हैं, लैक्टेशन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग वालों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग लेने के दौरान कभी नींद आना, चक्कर आना, ऐसा हो सकता है। किडनी और लीवर के जो पेशेंट होते हैं जिनको किडनी और लीवर की प्रॉब्लम है, वो लोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लें। और इसकी एक कॉमन बात है कि कोई भी ऑपरेशन वगैरह, कोई भी प्रोसीजर होता है माइनर से मेजर तक, डॉक्टर BD डोज में सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन 5 दिन तक लगवाते हैं, प्लस अमीकासिन सुबह शाम, ये दोनों इंजेक्शन सुबह शाम लगते हैं वुंड हीलिंग में। वुंड हीलिंग में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी और कोई आपके क्वेश्चंस हों तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक मेरा टॉन्सिलाइटिस और फीवर पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और यदि मैं सोरासिस पे भी वीडियो बनाऊंगा। देखते रहिए मेरे चैनल को, डॉक्टर मुर्तजा सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।